हेलो स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 व्यावसायिक वर्ग का विषय रंगीन फोटोग्राफी, प्रश्न पत्र संकेतांक 458, तृतीय प्रश्न पत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 60, 40 नंबर का प्रैक्टिकल इसमें होता है। नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 21 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं? सोलराइजेशन करने की विधि का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, रिचिंग से आप क्या समझते हैं? किसी निगेटिव में काला धब्बा तथा पिन होल कैसे हटाते हैं? अथवा टोनिंग से आप क्या समझते हैं? किसी प्रिंट की सीपिया टोनिंग कैसे की जाती है? तीसरा प्रश्न है, कैमरा ट्रीपाइड स्टैंड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अथवा वास रिलीफ से आप क्या समझते हैं? वास रिलीफ प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, वर्निंग क्या है? पांचवा प्रश्न है, डाजिंग से आप क्या समझते हैं? छठवां प्रश्न है, विगनेट फोटोग्राफ क्या है? सातवां प्रश्न है, डिफ्यूजन क्या है? आठवां प्रश्न है, लैंडहुड का क्या महत्व है? नवा प्रश्न है, एक्सपोजर मीटर का क्या महत्व है? दसवां प्रश्न है, फिनिशिंग कैसे की जाती है? 11वां प्रश्न है, शाफ्ट फोकसिंग का क्या अर्थ है? 12वां प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंगों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न है, पूरक रंगों के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न है, एक्सटेंशन बेलोच के क्या फायदे हैं? 15वां प्रश्न है, केबल रिलीज का चित्र बनाइए। 16वां प्रश्न है, टेली कन्वर्टर का क्या कार्य है? 17वां प्रश्न है, टिल्ड हेड क्या है? 18वां प्रश्न है, प्रकाश सुग्राही सिल्वर साल्ट का नाम लिखिए। 19वां प्रश्न है, प्रिंट का रंग संस्कार क्यों किया जाता है? 20वां प्रश्न है, पैनिंग से आप क्या समझते हैं? और लास्ट 21वां प्रश्न है, लाल और हरे प्रकाश को अध्यारोपित करें तो लब्ध प्रकाश किस रंग का होगा? तो ये है स्टूडेंट, फोटोग्राफी व्यावसायिक वर्ग के तृतीय प्रश्न पत्र को आप देख रहे हैं। यदि आप व्यावसायिक वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि कितने प्रश्न होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। धन्यवाद।